ऐसा गांव जहां कोई औरत नहीं है और एक दिन एक लड़की दुल्हन बनकर उस गांव में आ जाती है। उसके साथ क्या होता है फिल्म मातृभूमि की कहानी। विदेशी फिल्म फेस्टिवल्स में ढेरों इनाम जीतने के बाद अब ये फिल्म यहां रिलीज होने वाली है। तो चलिए मिलते हैं फिल्म के डायरेक्टर मनीष झा से और बात करते हैं इस अनोखी फिल्म के बारे में। फिल्मी निर्देशकों की भीड़ में एक नया नाम जुड़ गया है। मनीष झा की पहली फिल्म मातृभूमि रिलीज के लिए तैयार है। मनीष अपने इस संजीदा विषय को डिफेंड करते हैं। जहाँ तक मातृभूमि का सवाल है कि मातृभूमि जिस टॉपिक जिस विषय पे फिल्म है और अनफॉर्चुनेटली कोई फिल्म बनी नहीं उस टॉपिक के ऊपर, और मैं चाहता था कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल आई शुड रीच, यू नो, तो इसलिए ये फिल्म बनाने का सोचा। और जहाँ तक सवाल है कि जितने भी इंग्रेडिएंट्स एक फिल्म के अंदर होने चाहिए, इमोशंस, लव एंड ऑल द प्लॉट्स एंड ऑल द ड्रामा, इट्स देयर इन मातृभूमि। मनीष से इस बारे में उनके विचार पूछे। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिन पे कि आप फिल्म बनाएंगे तो डेफिनेटली ऑडियंस इज गोना रिएक्ट वेरी स्ट्रांगली, और हिंदुस्तान जैसे देश में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे बात करना, जिस पे आप जैसे बात करते हैं आप ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रोवर्शियल बन जाए। एज अ फिल्म मेकर आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि नॉट टू शाई अवे फ्रॉम दीज टॉपिक, और ये सोच के कि ऑडियंस को शायद बुरा लग जाए या किसी को दुख पहुँचे, के लिए उनके पास एक खास वजह है। जो फिल्म का जो टॉपिक था फिल्म का, वो मैं चाहता था कि उसको जितना रियलिस्टिक रखा जाए उतना अच्छा रहेगा फिल्म के लिए और ऑडियंस के लिए उस चीज़ को समझने के लिए। और क्योंकि फिल्म में ज़्यादातर जो चेहरे हैं वो नए हैं, तो एक फिल्म को एक रियलिस्टिक टच मिलता है। कहीं ना कहीं फिल्म के अंदर एक थोड़ा सा एक जो एक स्टार के साथ आप फिल्म करते हैं तो थोड़ी सी एक मिलावट आ जाती है फिल्म के अंदर, शायद वो आ जाती है फिल्म के अंदर। मनीष को उम्मीद तो यही है कि उनका ये पहला कदम कामयाब होगा और दर्शक एक अलग विषय को अपना लेंगे।